हाँ सो गुड मॉर्निंग एवरी वन आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक यू पी एस सी सी एस सी सो इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ईरान ने अपनी करेंसी का एक प्रकार से करेंसी में बदलाव क्यों किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है रियाल जो करेंसी है उसकी उसको दोबारा से उसका वैल्यूएशन किया और फिर टोमान टोमान जो है उस उस करेंसी का इस्तेमाल ज़्यादा से करने का जो है उसने डिसीजन लिया तो बेसिकली इसके पीछे रीजनस क्या रिस्पॉन्सिबल है इसका इम्पैक्ट uh, क्या पड़ेगा ये भी हम लोग जानेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने जा रहा है ईरान ने ऐसा डिसीजन लिया इसके पीछे जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों तरीके के फैक्टर्स भी हम लोग जानने का कोशिश करेंगे सो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी माय नेम इज सौरभ पांडे सो बिफोर आई स्टार्ट लेट मी टेल यू अबाउट आन अकेडमी सो अगर आप आई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आना अकेडमी से आप जुड़ सकते हैं इंडिया के टॉप एट्टी प्लस एजुकेटर से आप लाइव पढ़ सकते हैं और कई सारे कोर्सेस हैं जैसे करंट अफेयर्स का कोर्स आपका चल रहा है मेरे द्वारा लिया जा रहा है इसी प्रकार से ये मंथली करंट अफेयर का कोर्स आता है मई जून जुलाई इसके अलावा भी कई सारे बैच कोर्सेस भी आपके चल रहे हैं करना क्या आपको अन अकेडमी डॉट कॉम या अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और फिर इस कोड को डालना हैट इज़ एस पी एल आई वी एस पी एल आई वी ई जैसी कोड को डालोगे अमाउंट विल रिड्यूस बाई टेन परसेंट और यहाँ आप मेरे कोर्सेज तो कर ही सकते हो साथ में एट्टी प्लस टॉप एजुकेटर्स के कोर्सेज भी आप लाइव देख सकते हो आपका पूरा यू पी एस सी का प्रिपरेशन इसके अंदर इंक्लूडेड है अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस नंबर पर जो है कॉल कर सकते हो टेलीग्राम में भी आप मुझसे जुड़ सकते हो तो चलिए शुरू करते हैं देखो दो हज़ार अगर देखा जाए टू थाउजेंड एंड फिफ्टीन के अंदर 2015 के समय जॉइंट कॉप्रहेसिव प्लान ऑफ एक्शन जो पी फाइव प्लस वन है जिसमें पांच जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर और एक जर्मनी और ईरान ये आपका इनके बीच का एग्रीमेंट था जिसमें यह कहा गया कि ईरान के ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ट्रांसपेरेंट बनाया जाए इसका प्रयास किया गया था सडनली फिर यू एस ने इससे विड्रॉ कर लिया जो टेंशन है ईरान और यू के बीच का इंक्रीज़ हो गया आ, ये कहा जाने लग गया कि ईरान और रशिया क्लोज जा रहे हैं बहुत से फैक्टर्स हैं यू एस सऊदी अरेबिया के भी क्लोज़ चला गया सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच का भी टेंशन लगातार चल रहा था और अभी भी चल ही रहा है ठीक है सिया वर्सेस सुन्नी का जो लड़ाई है उसमें उस वजह से दो डिफरेंट पोल्स ऑफ पावर हैं वेस्ट एशिया के अंदर अब ये जो एक रीज़न रेस्पॉन्सिबल था इस वजह से यू ने इन जनरल आप कह सकते हो कि सऊदी अरेबिया को भी अपीज़ करने का कोशिश किया क्योंकि बहुत बड़ा एक आम आर्म्स डील साइन की गई थी सऊदी अरेबिया के साथ आ, हो सकता है कि आ, इस वजह से ये या सऊदी अरेबिया को खुश करने के लिए जो भी हो विड्रॉ किया गया आ, इस डील से विद्रॉ किया गया और यू एस ने इस चीज़ को कहा कि आ, ये जो जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्ला, प्लान ऑफ एक्शन है ये एक प्रकार से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लजिटमेसी दे रही है ये बात हुई आपकी दूसरा पॉइंट ये आया कि यू ने जो टेंशन शुरू हुआ उसमें यू ने सेंक्शन uh, इम्पोज कर दिया जो इकोनॉमिक सेंक्शंस हैं उसको इम्पोज़ किया गया ईरान के ऊपर जो ये सेंक्शन्स इम्पोज किए गए ईरान के ऊपर अगर आप ध्यान से देखो तो इसका इम्पैक्ट ईरान की इकोनॉमी पर भी बहुत अधिक पड़ा और उसकी करेंसी का जो वैल्यू है वो बहुत तेज़ी से गिरा लगभग सिक्सटी परसेंट आपका इतना रिड्यूस आपका हुआ देखो करेंसी की वैल्यू नीचे गिरने का मतलब ये होता है जैसे मान लो आप एक डॉलर ले रहे हो वो अगर सत्तर रुपए का है और एक डॉलर जो है अस्सी रुपए का होगा तो जब सत्तर रुपये दे के आपको एक डॉलर मिल रहा था अब अस्सी रुपये दे के एक डॉलर मिल रहा है तो ये वैल्यू वैल्यू गिरना इसे हम कहते हैं ठीक है ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है तो ये वैल्यू बहुत अधिक गिरी कहीं जो कई समय में मतलब ये वैल्यू लगातार गिरती रहती है अगर आप देखो तो ईरान की जो रियाल करेंसी है तो वहाँ पर कई जगहों पर एक डॉलर मोर देन वन लैख रियाल के बराबर कई बार हो गया ठीक है कई बार जो है इन जनरल फोर्टी फिफ्टी थाउजेंड तक भी आपका रियाल रहता तो इससे होता क्या है कि एक प्रकार का जो महंगाई है वो तो दिखती है वो बढ़ती ही है, है और साथ में इन जनरल जो इकोनॉमी ट्रांजेक्शन है उस पर भी बहुत दिक्कत होती है जैसे आप इमेजिन करो कि अगर कोई एक प्रोडक्ट लेना है और वो प्रोडक्ट की कीमत एक डॉलर है दो डॉलर है तो आपको लाखों में रियाल की ज़रूरत पड़ सकती है ये एक है ना मान लो दस डॉलर बीस डॉलर तो लाखों में रियाल की ज़रूरत पड़ेगी तो बहुत ह्यूज अमाउंट में करेंसी की जरूरत पड़ेगी बोरा में लेके जाना पड़ेगा कुछ छोटा सामान भी लेना है दो डॉलर दस डॉलर बीस डॉलर का सामान भी लेना है तब भी आपको इतना पैसा चाहिए तो ये क्या है जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है इस पर एक बहुत दिक्कत वाली बात आ जाती है और जो महंगाई है वो भी बढ़ जाती है इसी को ध्यान में रखते हुए क्योंकि वैल्यू लगातार गिर रही थी इसी को ध्यान में रखते हुए ईरान ने सोचा कि इसको हम इसका एक जो वैल्यू है उसको चेंज करते हैं और एक बिल लेकर आए और उस बिल के तहत तो उन्होंने क्या किया एक नई करेंसी वो लेकर आए टोमन नाम से ठीक है जो टोमन नाम की एक जो नई करेंसी है वो लेकर आए और ये जो टोमन है एक टोमन को एक टोमन है उसको दस हज़ार रियाल के बराबर रखा ठीक है ये कर दिया तो एक टोमन अब आपको दस हज़ार रियाल की जगह एक टोमन लेकर जाना है ठीक है तो ये आसान हो जाएगा अगर आपको मान लो डेढ़ लाख रियाल चाहिए तो काफ़ी ह्यूज करेंसी हो जाएगी तो इससे बेटर क्या है इस डेढ़ लाख की जगह आपने पंद्रह जो है टोमन लेकर चले गए तो ये आसानी हो जाएगी ट्रांजेक्शन तो ये सोच कर एक बिल लेकर आया गया और करेंसी को ये बदलाव आपका किया गया रियाल की जगह अब टोमन जिसकी वैल्यू अधिक होगी ये स्टेप लिया गया अब इसका अप्रूवल भी किया जाएगा फिर सेंट्रल बैंक के पास टाइम रहेगा दो साल का कि वो उसको इम्प्लीमेंट करें इस चीज़ को है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है जानना कि ईरान के सरकार में लगातार डिबेट भी चल रही थी कि क्या नेशनल करेंसी को बदलाव लेकर आना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए स्लैसिंग फोर जीरोज़ जीरो ऑफ इट्स फेस वैल्यू स्लैसिंग फोर जीरो का मतलब यही हो गया जैसे टेन थाउजेंड में आपके टेन थाउजेंड में चार जीरोज हैं तो ये फोर जीरो स्लैस करना मतलब आपने इन टेन थाउजेंड की जगह एक टोमन कर दिया इसलिए इसे स्लैसिंग फोर जीरो भी कहा जाता है तो ड्रॉपिंग फोर जीरो फ्रॉम इट्स नेशनल करेंसी द रियाल द रिमेनिंग द रीनेमिंग इट द टोमन तो टेन थाउजेंड को टेन थाउजेंड रियाल को हमने टोमन कह दिया ये चीज़ें आपकी हाईलाइट uh, आपकी लगातार uh, कर रही हैं। एक शब्द इस्तेमाल होता है जिसे हम कहते हैं री डो री डोमिनेशन री डीनोमिनेशन ठीक है री डिनिनेशन री डिनोमिनेशन uh, uh, का मतलब क्या है कि जब भी आप कोई नई करेंसी लेके आते हो तो उसका जो वैल्यूएशन है कितना वैल्यू रखते हो ठीक है दूसरी करेंसी के कंपैरिजन कितना अपना जो पुरानी ही करेंसी है उस पर कितना वैल्यू रखते इसको हम रीडोमिनेशन कहते हैं ये प्रोसेस है बाय अ कंट्रीज करेंसी इज री वैल्यूड ड्यू टू सिग्निफिकेंट इन्फ्लेशन एंड करेंसी डीवैल्युएशन ऑन वेन द कंट्री अडॉप्ट्स अ न्यू करेंसी एंड नीड्स टू एक्सचेंज द ओल्ड करेंसी फॉर अ न्यू वन एट द फिक्सड रेट एक फिक्स रेट में आपका एक्सचेंज करने को कहा जाता है ठीक है तो एक्सचेंज रेट आप ये कह सकते हो कि डिसाइड मतलब एक जर्नल अगर आप देखोगे तो जो करेंसी है उसका डी या जब कंट्री एक नई करेंसी को ऑप्ट करती है तो उसका क्या क्या वैल्यू होगा दूसरे करेंसी के कंटेक्सट में तो इसे हम री शब्द का इसके लिए इस्तेमाल करते हैं ठीक है तो ईरानियन पार्लियामेंट एसेंशियली टुक दैट स्टेप ऑथोराइजिंग द रिप्लेसमेंट ऑफ रियल विथ एन अदर बेसिक यूनिट जो अभी हमने डिस्कस किया ये अथोराइज़ किया गया अब क्या स्थिति आ गई है कि कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से ईरान की जो बेसिक इकोनॉमी है जो कि निर्भर है पूरे तरीके से ऑयल पर अब ऑयल का डिमांड हो नहीं रहा तो और इकोनॉमी नीचे जा रही है तो और भी एक टेंशन की बात आ जाती है और इस वजह से ये कदम उठाना और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये बात आपकी कही जा रही है अब यहाँ पे कई सारे क्रिटिसिज्म भी है उन्होंने ये कहा कि मेनली uh, ये चीज़ को भी कहा जा, जा रहा है कि इस अमेरिकन सेंक्शन से बचने के लिए कदम तो उठाया गया लेकिन uh, इस समय इस समय यह भी जरूरी है कि एक एक तो कॉस्ट ऐड करेगा uh, नई करेंसी प्रिंट करने का कॉस्ट ऑलरेडी बजट डेफिसिट चल रहा है तो कॉस्ट ऐड करेगा और दूसरा सर्टन बेसिक इकोनॉमिक चेंजेस करने की जरूरत थी ना कि करेंसी चेंज करने की ज़रूरत अगर आपने करेंसी में ऐसे बदलाव किया है तो इससे वही बाद में यही टॉमिन का भी वैल्यू बढ़ सकता है अगर हमने बेसिक इकोनॉमिक चेंजेस नहीं किए हैं तो ये कुछ ऐसा क्रिटिसिज्म है जो कि आपका किया जा रहा है सो so, इस सेशन में इतना ही आई होप यह सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लाइक like ज़रूर करें शेयर जरूर करें और लेट्स क्रैक यू पी को जरूर से सब्सक्राइब करें थैंक यू एवरी एंड लेट्स क्रैक इट